नमस्ते, नीता इन किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बर्गर। बर्गर के लिए हमें चाहिए 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, 1 कप ब्रेड क्रम्स। यहाँ हमने फ्रेश ब्रेड को पीस लिया है। आप चाहें तो बाजार से भी ब्रेड क्रम्स ला सकते हैं, या आपके पास सूखी हुई ब्रेड है तो उसे भी पीसा जा सकता है। 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1/4 टीस्पून जीरा, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया और नमक स्वाद अनुसार। और हम टिकिया को शैलो फ्राई करेंगे, इसीलिए उसको सेकने के लिए तेल। आप चाहे तो उसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। बर्गर ब्रेड टॉपिंग के लिए हमें चाहिए पत्ता गोभी का पत्ता, गोल कटे हुए प्याज, गोल कटे हुए टमाटर, टोमेटो सॉस, मेयो लाइट, बर्गर सॉस। अब सबसे पहले हम आलू को ग्रेट कर लेंगे। अगर आपके आलू गर्म है तो ये बहुत जल्दी से ग्रेट होते हैं, तो इसीलिए उबालने के बाद थोड़े गर्म आलू अगर आप ग्रेट करेंगे तो उसमें लम्स भी नहीं आएंगे और ये जल्दी से ग्रेट भी हो जाएंगे। अभी हमारे आलू ग्रेट हो गए हैं। अब हम आलू को खाली बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें सारा मसाला मिक्स कर देंगे। सबसे पहले हम डालेंगे जीरा, हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक और ब्रेड क्रम्स। अब देखिए हमारा डो तैयार हो गया है। हम इसमें हल्का सा ऑयल डालेंगे ताकि ये हाथों पर चिपके नहीं। अब हम हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद इसे हम थोड़ा बड़ा लोया लेंगे, बड़ा गोला लेकर, क्योंकि हमारे बर्गर का जो ब्रेड है वो काफी बड़ा है, तो हम उसी हिसाब से इसका साइज, टिकिया का साइज हम लेंगे। अभी टिकिया को अच्छे से शेप देने के लिए हम चॉपिंग मैट पे उसको हम ऐसे करेंगे, दबा देंगे। जितनी थिकनेस आपको चाहिए आप उतनी ले सकते हैं, और फिर एक बार फिर ऐसे करेंगे तो इससे इसका शेप बहुत अच्छा आएगा। हमें हमारा बर्गर टिकिया बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी किया जा सकता है। गर्म हो गया, हम इसमें ऑयल डालेंगे और हम इसमें टिकिया रखेंगे। अब इसी तरह हमने दूसरी टिकिया भी तैयार कर ली है। अब इसे भी हम रख देंगे और इसे मध्यम मध्यम आंच पे सुनहरा होने तक इसे हम सेकेंगे। जब तक हमारी ये टिकिया तैयार होती है तब तक हम बर्गर ब्रेड को बीच में से काट के उसे सेक लेंगे। अब हमें तवा लेंगे, फ्लैट तवा लेकर उसे गर्म करेंगे। को एक साइड से पलट दिया है, दूसरे साइड से ये हो रही है। अब इसे भी हम धीमे धीमे आंच पे अच्छे से सेकेंगे। अभी तवा भी गर्म हो गया है, हम तवे पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और उस पे ये बर्गर बन्स रखेंगे। ब्राउन ब्रेड हेल्थ के लिए अच्छी होती है, इसीलिए हमने यहाँ पर ब्राउन ब्रेड का यूज किया है। आप चाहे तो व्हाइट बर्गर ब्रेड का यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये हल्का ब्राउन हो गए हैं और ये सिक गए हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब देखिए हमारी टिकिया भी सिक कर तैयार है। अब हम जो नीचे वाला हिस्सा है ब्रेड का, उस पर हम व्हाइट वाला सॉस स्प्रेड करेंगे। अब सॉस के ऊपर हम एक प्याज की लेयर बिछाएंगे, टमाटर की लेयर बिछाएंगे। अब हम उसके ऊपर टिकिया रखेंगे। टिकिया रखने के बाद हम उस पर, अगर आप चीज पसंद करते हैं तो आप चीज रख सकते हैं, ऑप्शनल है। चीज रखने के बाद अब हम इसे पत्ता गोभी से कवर करेंगे और ऊपर फिर ब्रेड का बन रखकर हम इसे ऊपर चाहे तो सॉस से सजा लेंगे। आप चाहे तो अंदर भी सॉस का यूज कर सकते हैं। अभी आपका वेज बर्गर बनकर तैयार है।
अब आप इसे घर पर बनाइए और इसका लुफ्त उठाइए। अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब टैब पर क्लिक करें। थैंक यू।